अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज 3.4 का ही लेक्चर नंबर 2। क्योंकि जब मैंने पहला लेक्चर दिया था मैंने बताया था कि एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है और इसको दो स्टेजेस में आपको समझाऊंगा। फर्स्ट स्टेज में मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम समझाई थी और कंपैरेटिवली दो छोटे सवाल समझाए थे। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं यानी जो थोड़े से ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनमें से भी दो सेलेक्ट किए हैं। नॉर्मली अगर आपको ये समझ आ जाएंगे तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 सेलेक्ट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफ़ा बोर्ड में रिपीट भी हुआ ये वाला क्वेश्चन। लेट एक्स इज इक्वल टू 3√0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8। वही प्रोसेस वही होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 ओवर 60.8 और होल की पावर 1/3। अगेन जो आपको पहले भी बताया था कि जब भी रेडिकल फॉर्म में हो तो उसको हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ट्रांसफ़र कर लें। अब जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया और आपको पता है कि पहले हम एक्सपोनेंशियल वाला रूल लगाएंगे फिर प्रोडक्ट या कोशेंट रूल लगाएंगे। 1/3 नीचे आ गया, लॉग ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 ओवर 60.8। अब आप इस पर देखें, ऊपर वाला प्रोडक्ट है और नीचे क्वेश्चन है, लिहाजा जितनी वैल्यू ऊपर है वो प्लस हो जाएंगी लॉग के साथ और नीचे वाली माइनस हो जाएंगी। 1/3 को बाहर ही रखें, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, लॉग ऑफ 0.7214 प्लस लॉग ऑफ 20.37 माइनस लॉग ऑफ 60.8, क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट था और नीचे क्वेश्चन था तो प्रोडक्ट वाले प्लस हो जाते हैं लॉग लेके और जो क्वेश्चन वाली वैल्यू जो नीचे डिनोमिनेटर उसके साथ उसको माइनस कर देते हैं। अब वैसे ही कैलकुलेटर की मदद से लॉग निकालें, लॉग ऑफ 0.7214 लिया तो माइनस 0.1418 आ गया। अगेन याद रखना है कि 4 डिजिट के बाद राउंडेड ऑफ फिगर लिखनी है। ये लॉग 20.37 इसका लिया 1.3090। अब इसलिए मैं बताने लगा हूँ कि इसका जब हम कैलकुलेटर से आंसर लेते हैं तो आंसर आ रहा था 1.30899। इसका मतलब है कि पांचवा डिजिट भी 9 था लेकिन चौथा जहाँ पे राउंड ऑफ करना है वो भी 9 था। जब कभी ऐसा आ जाए कि जहाँ पे राउंड ऑफ करना है वो भी 9 हो और उससे नेक्स्ट नंबर भी 9 हो या 5 से ग्रेटर हो तो फिर हमने उसको राउंड ऑफ करना है। 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो फिर आपने 9 को राउंड ऑफ नहीं करना, 9 के साथ उसके साथ पिछला नंबर भी ऐड कर लेना जो कि 8 था, यानी फिर वो 89 था, तो 89 की बजाय उसको 90 यानी 90 कर देंगे। इसलिए 1.3090 कर दिया, लॉग ऑफ 60.8 या 1.7839 हो गया। अब अगेन क्योंकि 1/3 बाहर ही रहेगा, अब इन तीनों का सिंप्लीफिकेशन की कैलकुलेटर से माइनस प्लस माइनस करके एक सिंप्लीफाइड आंसर निकाल दिया, वो आया माइनस 0.6167, फिर 1/3 इंटू माइनस 0.617, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर क्या आ गया, माइनस 0.2056। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस, आंसर आ गया 0.622 या वट एवर जो भी मैंने कहा। आंसर में आपके पास ऑप्शन होती है कि डेसिमल प्लेसेस 2, 3, 4 के बाद जब यहाँ कहीं भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8, लेट एक्स इज इक्वल टू 438 का क्यूब, फिर स्क्वेयर रूट ऑफ 0.056 डिवाइडेड बाई 388 रेज टू द पावर 4। अब अगेन इसमें देखें, ये रेडिकल फॉर्म में लिया था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख लें और बाकी सारा प्रोसेस वैसे करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 438 रेज टू द पावर 3, 0.056 की पावर 1/2 क्योंकि स्क्वेयर रूट था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया और नीचे 388 रेज टू द पावर 4 वैसे ही आ गया। अब रूल लगाएं, जब रूल आपको बताया था जब मैंने आपको 3.2 करवाई थी कि जब एक्सपोनेंट सेम हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, इसमें एक्सपोनेंट सेम था और अंदर प्रोडक्ट और कोशेंट था तो पहले एक्सपोनेंट रूल लगाया और उसके बाद हमने प्रोडक्ट या कोशेंट रूल लगाया। अब इस वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट करने की वजह यही है कि इसमें हर एक के एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं। मैसे 438 का 3 है, इसका 0.056 का 1/2 है और 388 का 4 है, इसका डिफरेंट एक्सपोनेंट है, लिहाजा पहले प्रोडक्ट या कोशेंट रूल लगेगा बाद में एक्सपोनेंट रूल लगेगा। लॉग ऑफ 438 पावर 3 फिर प्लस लॉग 0.056 पावर 1/2 माइनस लॉग 388 रेज टू द पावर 4। अब इनके ऊपर एक्सपोनेंट रूल लगाएं, 3 नीचे आ गया, 3 लॉग 438 हो गया प्लस 1/2 लॉग ऑफ 0.056 हो गया माइनस 4 लॉग 388 हो गया। अब उसके बाद आगे वही कैलकुलेटर से लिया आंसर,
लॉग 438 लिया, फिर लॉग 0.056 लिया, फिर लॉग ऑफ 388 लिया। ये जब इनके लॉग्स आ गए, फिर इनके भाई जो कोफिशेंट्स थे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2.6415 किया तो 7.9245 आ गया। फिर 1/2 -1.2518 था, यानी उसको जब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया -0.6259 एंड -4 × 2.5888 मीन्स 10.3552। अब इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकाला, -3.0566 आ गया। फिर वही टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे एक्स आ गया एंटी लॉग ऑफ -3.0566। अब जब आप इसका एंटी लॉग लेते हैं तो कैलकुलेटर से क्या आंसर आया, वो मैंने इसलिए लिखा है, कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है 8.77। आगे 3-4 डिजिट और लिखे हैं, आगे मल्टीप्लाइड में एंड पे लिखा हुआ 10⁻⁴। जब आपने इसने आंसर साइंटिफिक नोटेशन में दिया, लेकिन आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। अब आपको तरीका बताने लगा कि इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखते हैं। आपने देखना है कि यहाँ माइनस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0.4। इसका मतलब है कि 8.7 यानी 8 से पहले इसको लिखेंगे 8.77, और यहाँ 4 है तो लिहाजा इससे पहले 3 जीरो लगेंगे, ऐसे 0.00 और एक यहाँ यानी 0.00। अगर सपोज ये होता 8.77 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ लिखा होता, तो इसका मतलब 5 है, तो फिर आपने इस डिजिट से पहले 4 जीरो लगाने थे, ऐसे 0.0000 और फिर 8.77, ठीक है। यानी फिर आपने ये वाला डेसिमल इग्नोर कर देना होता है। आपने ये देखना है कि पावर में जो वैल्यू आ रही है -0.4 है तो इस डिजिट से पहले 3 जीरो लगेंगे, 5 है तो 4 लगेंगे, 6 है तो 5 लगेंगे, 3 है तो 2 लगेंगे, और यहाँ से डेसिमल रिमूव हो जाएगा और इसको इस तरह से लिखा जाएगा। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेलेक्ट करने की एक रीज़न ये है और लॉजिक ये है कि एक का कंबाइंड एक्सपोनेंट था और दूसरे में डिफरेंट एक्सपोनेंट्स थे, इसलिए जब आपके पास कंबाइंड एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले आपने एक्सपोनेंट रूल लगाना है, बाद में प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल लगाना है। जब आपके एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगे तो पहले आपने प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल लगाना है और बाद में आपने एक्सपोनेंट रूल लगाना है। बाकी सारा प्रोसेस वही है कि उसी तरह सिंप्लीफाई किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर रूल लगाया, रूल लगाने के बाद सिंप्लीफिकेशन की, फिर एंटी लॉग लिया, एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसमें भी वैसे किया कि पहले लेट किया, फिर उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर रूल्स की एप्लीकेशन है, फिर सिंप्लीफिकेशन है, फिर उसका एंटी लॉग लिया। एंड पे जब आंसर आ रहा है, अगर आपका आंसर इस तरह है साइंटिफिक नोटेशन में है, तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे पावर क्या आ रही है, -4 आ रही है, तो इसका मतलब है इस 8 यानी जो भी फर्स्ट डिजिट है उससे पहले आपने 0 के बाद 3 जीरो लगाने हैं, अगर 5 होता तो 4 लगाने हैं, 6 होता तो 5 लगाने हैं, और उसके बाद इसको ऑर्डिनरी रोटेशन में ऐसे लिखना, वो भी होगा।